तो इसलिए जब तक अभी 2022 में चुनाव हराएंगे नहीं, तब तक 2024 में वो आरक्षण करने वाला नहीं है साथियों। इसके लिए आप सबको, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने संबंधित को टेलीफोन कीजिए, बताइए कि जहां पे वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, नाव छाप है, वहां मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए वोट कीजिए और अपने भाई को जिताइए। और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पे जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उनको चुनाव जिताइए, लेकिन मकसद एक ही होगा कि भाजपा को हराइए। आज भाजपा हारेगा तो आपका मान सम्मान आपको देगा। आपने देखा होगा, हमने जब 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च किया, हमें लगा कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग मानते हैं कि वीरांगना फूलन देवी हमारे कुल में जन्म ली, हमारे बहन बेटी थी, और वो जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उनको नारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, वीरांगना फूलन देवी माता का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। और 25 जुलाई को स्वाधीनता दिवस पे हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल में एक प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया, सिर्फ माला चढ़ाने का था। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सरकार ने किस तरीके से अपमान किया, कहीं ना कहीं वीरांगना फूलन देवी का अपमान नहीं किया भाई, वो सिर्फ हम और आपका निशा दूसरा बेटा को अपमान किया ये सरकार ने। आज वीरांगना फूलन देवी आपके बीच में, हमारे बीच में नहीं है। आज कहीं ना कहीं आपको और हमको अपमान किया कि हमारे माता बहन को भी एक माला चढ़ाने के लिए योगी सरकार नहीं दिया, तो इसका भी आप सबको बदला लेना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या होगा जब मैदान में उतरेंगे तो दो ही परिणाम होगा, हार या जीत। आप अगर मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे। आप क्या होगा, 75 साल से हमारे दादा पूर्वज वोट देते आए, क्या हमको मिला है, लेकिन एक बार हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए बिहार में पैरलर में आपकी सरकार है, किसी का माई कल्लाल में दम नहीं है कि बिहार में निशा समाज के साथ कोई अन्याय कर सकता है, क्योंकि वो सरकार आपका है। आज कहने के लिए नहीं है कि आपके पास 15% वोट है, कहने के लिए नहीं है कि आप विधानसभा महमदाबाद में 1,30,000 वोट है। अगर हर एक निषाद का बेटा, हर एक बेटा अपने आप को सन ऑफ मल्ला बन जाए, हर एक बूथ पे पहुंच जाए और सिर्फ बूथ जीतने का कोशिश करे, तो निश्चित तौर पे आप चुनाव जीत लेंगे। हर एक बूथ पर आप पहुंचिए और लड़ाई लड़िए। आपको लगता होगा कि ये बहुत असंभव है, बड़े बड़े लोगों के बीच हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। अगर मैं भी अगर ये सोचता तो बिहार से अगर मुंबई तक नहीं आता तो आज मैं भी मुंबई में अगर खोया रहता और हमारा समाज आज कहीं ना कहीं रोड पे रहता। लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए आया, 6 साल 7 साल लगा, लेकिन बिहार का सत्ता हमारे पास है। 2000